भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। अयाज भाई, पहचान में भी नहीं आ रहे हो कि अयाज खान ही है, ये तो मैं आपको पर्सनली जानता हूँ इसलिए पहचान रहा हूँ। लुक बहुत ही बेहतरीन है, सबसे पहले किस फिल्म के लिए? थैंक यू सो मच फॉर माई लुक, मेरे जो है इस जो है नया गेटअप के लिए। ये फिल्म है निरहुआ महाबली। मुझे लगता है कि भोजपुरी में फर्स्ट टाइम ऐसी माइथोलॉजिकल फिल्म बन रही है, ऐसी हिस्टोरिकल फिल्म बन रही है। और इस फिल्म के जो है प्रोड्यूसर रमेश व्यास जी हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर जो है इकबाल बख्श जी हैं। नो डाउट बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, इतना ह्यूज लोकेशन और आप देख रहे हैं कि पीछे कम से कम 50-60 घोड़े खड़े हैं, उधर एक्शन चल रहा है कुर्मा सेट लगा के। और मुझे लगता है कि ये भोजपुरी का एक जो है समय और पैटर्न और भोजपुरी फिल्मों का जो है रूपरेखा ये फिल्म चेंज करेगी। आयाज भाई, आप क्या किरदार निभा रहे हो इसमें? विलन हो आप या फिर सपोर्टिंग रोल में कोई? नहीं, विलन का करेक्टर है, जहाँ तक हमारे दर्शक जानते हैं कि मैं विलन करता हूँ, विलन ही है। काफ़ी अच्छा करेक्टर है और बाहुबली तो देखा है लेकिन हम कॉपी नहीं कर रहे, हम भोजपुरी को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और इसमें जो है दिनेश जी का बहुत बड़ा योगदान है, रमेश जी का, और हमारे जो है प्रोड्यूसर जो हैं और हमारे जो डायरेक्टर इकबाल बख्श जी हैं, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है इस फिल्म के लिए कि तीनों ने मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भोजपुरी के लिए तैयार किया है। और मुझे लगता है कि दर्शक इसे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और इसको, इस फिल्म को स्वीकारेंगे। और हम सबकी जो है जो इच्छा है कि जो है भोजपुरी को और ऊपर ले जाए, भोजपुरी में नए नए चेंजेस करते रहें, और इस नए चेंजेस में हमारे दर्शकों का बहुत सहयोग चाहिए और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक हमें सहयोग करेंगे। आयाज भाई, ये घोड़ा भी आपका दिख रहा है उसमें, बाकायदा इस पर आपको घुड़सवारी भी करनी है और तलवार भी लड़ानी है इसमें, ये लुक जी, ये तलवार इसके लिए कोई ट्रेनिंग लिया आयाज खान ने? जी, सच पूछूं तो ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं लिया, ये फर्स्ट टाइम मैं जो है घोड़े पे जो है घुड़सवारी की और साथ में मैं तलवारबाजी भी की। और बस मैं कहूँगा कि मैं फिल्म के लिए जीता हूँ और मैंने इतनी हिम्मत की कि फर्स्ट टाइम जो है घुड़सवारी की बिना सीखे, क्योंकि हम एक एक्टर हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक है वो बड़े मेहनत से पैसे कमाते हैं और थिएटर में आते हैं, तो उनको एक अच्छी फिल्म बने, तो उसके लिए हमने जो है, अभी मैं घोड़े से गिर भी गया लेकिन नो डाउट गिरना बड़ी बात नहीं है, चक्कर है कि अगर हमारा जो है एक्ट, हमारी जो है जो हम लोगों की सोच है इस फिल्म को लेके कि हम लोग एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं, एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं और दर्शक इसको पसंद करें, ये हमारा जो है चोट लगना बड़ी बात नहीं है, ये चोट का प्रतिफल वही है कि दर्शक हमें, हमारे रोल को, हमारे करेक्टर को, हमारे लुक को स्वीकारें। आयाज भाई, ये कॉस्ट्यूम जो दिखाई दे रहा है काफी भारी भरकम कॉस्ट्यूम है, इस तरह के कॉस्ट्यूम पहनने की आप, मैंने आपको कभी इस तरह के कॉस्ट्यूम में कभी देखा भी नहीं, ठीक है, अनकंफर्टेबल होता है? जी, अनकंफर्टेबल तो होता है, इतने बड़े जो मुकुट पहना हो, ये कम से कम 4-5 किलो का ये है, ये हाथ में ये सब जो है लेदर के और जो है सारे पैर से लेके ऊपर, तो मुझे लगता है कम से कम जो है आपके बॉडी में 10 किलो मिनिमम, 8 से 10 किलो का वेट एक्स्ट्रा आता है, तो जाहिर सी बात है। और उस पर से जो है गर्मी, आपको फाइट करनी है, दौड़ना है और घोड़े पे बैठना है, उस पर तलवार चलाना है, तो नो डाउट आप जो है बॉडी से 10 किलो एक्स्ट्रा वजन लेके कैरी करते हो, तो नो डाउट थोड़ा सा तो आप पे जो है एक्स्ट्रा बर्डन रहता है, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब हम लोग करेक्टर करते हैं, जब एक्टिंग करते हैं तो इन सब सारी चीज़ों को भूल जाते हैं कि हम लोग गर्मी में हैं, जाड़े में हैं, बरसात में हैं, बस एक्टिंग करते हैं। आयाज भाई, ऐसी कोई फिल्म अब तक भोजपुरी में बनी नहीं और किसी ने शायद हिम्मत भी नहीं की ऐसी फिल्म बनाने की, बताया जा रहा है कि भोजपुरी के साथ साथ और भी भाषाओं, तमिल, तेलुगू और हिंदी में भी रिलीज की जाएगी, आपको लगता है बाकी भाषाओं में भी उतना प्यार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए क्या होता है ना कि भाषा की बात नहीं होती, बात होती है कि फिल्म की अच्छी चीज़ होनी चाहिए, जब कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो लोग उसे पसंद करते हैं, वो चाहे अभी चाइना की चीज़ बनी हो, भारत की बनी हो, या भारत के बाहर कई किसी भी देश का बना हो, अगर वो चीज़ अच्छी है तो लोग उसको खरीदते हैं उसको पहनते हैं, जो भी चीज़ हो, तो वैसी फिल्म का है, किसी भी भाषा की फिल्म हो, अगर हम ही कोई फिल्म देख रहे हैं किसी भी चैनल पे आ रहा है, तो अगर फिल्म का लोग, फिल्म की जो है स्टोरी, फिल्म की टेकिंग अगर अच्छी लगती है तो हम उसको देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो है भाषा का फ़र्क नहीं होता, फ़र्क ये होना मैटर ये रखता है कि फिल्म कैसी बनी है। नो डाउट हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है और मेहनत कर भी रहे हैं और हम अच्छी फिल्म बनाएंगे तो किसी भी भाषा में बनाएं, दर्शक जरूर देखेंगे, क्योंकि दर्शकों को अच्छी फिल्म चाहिए। ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हैं? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम
जो है ख़ास तौर से हिंदी में, तो हिंदी तमिल तेलुगु सब में बन चुके हैं इस टाइप की फिल्में, लेकिन भोजपुरी में पहली बार ऐसी फिल्म बन रही है। तो दर्शकों से यही कहूँगा कि दर्शकों को हमने, हम लोगों ने बड़ी सोच के कि दर्शक हमारे जो है एक पैटर्न की फिल्मों से ऊब चुके हैं, तो हम यही कहेंगे कि हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है अपने भोजपुरी दर्शकों के लिए। तो इस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखिएगा और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हम लोग का प्रतिफल है। आज हम लोग जो भी हैं आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के प्यार से हैं। बस हम लोग ऐसी ऐसी अच्छी फिल्में देते रहें और आप लोग प्यार देते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।